जय श्री राम पूज्य भाई श्री और पूरा परिवार और आज सब अलग अलग स्थानों से कथा में हिस्सा लेने के लिए और जीवन धन्य बनाने के लिए आज उपस्थित हैं आप सबका मैं स्वागत करती हूँ राम का महिमा तो सब लोग जानते हैं राम राज्य के बारे में भी सब लोग जानते हैं लेकिन जब राम राज्य की बात करते हैं तब मेरे से नहीं होगा और कोई ये करे ऐसी स्थिति बनती है मित्रों हमारे बीच में वो जब भाई श्री है वो भी आप सबको वही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्यों करना चाहिए राम के बारे में हम सब जानते हैं कई घटनाएं उनके जीवन में जो बनी हुई है इसके पीछे क्या राज था वो भी हम जानते हैं मित्रों लेकिन जब हमारे जीवन में उतारने का प्रसंग आता है तब हम दूर भागते हैं लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा तो शुरू हुआ है मित्रों मैं आज और कोई बात करने वाली नहीं हूं लेकिन गुजरात में जो काम किया था जनता को जोड़ने का क्योंकि हमारी सोच कभी कभी ऐसी होती है कि तो सरकारी स्कूल है हम इसमें कैसे जा सकते हैं कैसे मदद कर सकते हैं ये भाव सब जगहों पर मैंने देखा है लेकिन ये मेरी स्कूल है मेरे बच्चे इसमें पढ़ते हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए यदि कुछ ना करो तो बच्चे समय से पहले स्कूल में पहुंचे इतना तो हम कर सकते हैं इसके लिए काफी कुछ काम का आरंभ हुआ था और वो ही मुहिम आज मैं यूपी में भी चला रही हूँ हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं है इसमें सबसे छोटा यूनिट आंगनवाड़ी जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तीन साल से छह साल वाले प्रेग्नेंट वुमन आती है हमारी बेटियां उसको कुछ न कुछ वहा सिखाया जाता है बीमार बच्चा है तो उसकी सेवा होती है मेडिकल ट्रीटमेंट होती है लेकिन दुर्भाग्य से हम यूनिवर्सिटी की ओर देखते हैं बड़ी बड़ी कॉलेजों की ओर देखते हैं लेकिन ये जो सबसे छोटा जहाँ से संस्कार प्राप्त होता है जहाँ बच्चा बैठना सीखता है बोलना सीखता है योगा करना सीखता है वही हम भूल गए थे और इसी वजह से आंगनबाड़ी को जनता के साथ कैसे जोड़ना यूनिवर्सिटी के साथ कैसे जोड़ना कॉलेजों के साथ कैसे जोड़ना और धीरे धीरे करके आगे जाकर संस्थाओं को इसमें जोड़ना एक काम की मुहिम शुरू हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक बारह हजार से ज्यादा में काम हो रहा है मित्रों अब मैं अयोध्या में हूँ मित्रों प्रभु राम की ये नगरी है रामलला हमारे बीच में विराजमान है हमारे हृदय में भी विराजमान है मैंने सोचा मैं कई बार इधर आई हूं बहुत भव्य दिव्य रामलला का मंदिर बन रहा है तब मैंने मेरे अधिकारियों को ये पूछा क्या तो लगता है इतना भव्य दिव्य रामलला का मंदिर लाखों लोग करोड़ों लोग पूजा अर्चना दर्शन साधना करने के लिए इधर आएंगे और आसपास ये हमारे छोटे छोटे नंगे पुंगे बच्चे घूमते फिरेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा वो भी सोचेंगे कि ये इतना सुंदर बनाया है और ये आंगनवाड़ी जो जहाँ रामलला पढ़ते हैं सब ये हमारे रामलला ही है छोटे छोटे बच्चे उनके लिए हम कुछ न कर पाए हैं और इसी वजह से ये भी सोचा है कि पूरा अयोध्या सिटी और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जितनी आंगनवाड़ी है ये सभी आंगनवाड़ी का कायाकल्प करवाना और इसमें बच्चों को खेलने के लिए बैठने के लिए लिखने के लिए भोजन के लिए सब कुछ देना ये हमारी मुहिम शुरू हुई है मित्रों संस्कार तो वहाँ से मिलने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आने वाले 25 साल जब हमारे 100 साल आजादी को पूरा होगा तो किसके कंधे पर ये जिम्मेवारी आने वाली है कौन देश को आगे बढ़ाएगा विकसित भारत बनाएगा तो वही आज जो बच्चे हैं चाहे स्कूलों में पढ़ते होंगे सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ते होंगे वही बड़े होंगे धीरे धीरे करके और वो ही भारत को विकसित बनाने वाले हैं, तो हमारा ध्यान तो वहीं होना ही चाहिए मित्रों और इसी वजह से एक काम का आरंभ हुआ है और जैसे कि हमारी आचार संहिता ये आचार संहिता में हम सब लाचार बन जाते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही इलेक्शन पूरा होगा तुरंत ही काम का आरंभ होगा और चार छः महीने में ये सब काम हमें पूरा करना है मित्रों और मैं रामलला से प्रार्थना करती हूँ आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ भाई जी के भी प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये काम जल्दी पूरा हो जाए कि जिसकी वजह से सब लोगों को ये लगा कि नहीं दिव्य भव्य मंदिर साथ साथ में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतना ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं यही कामना के साथ आप सबको जय श्री राम धन्यवाद